हेलो क्लास, सो वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो फॉर योर मैथ क्लास। टुडे आई विल टेक द टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अंटिल नाउ आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। सो क्वेश्चन आइज व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सपोज दैट इट इज गिवन दैट 24 अपॉन 36, ओके, माइनस 36 सपोज दैट। सो व्हाट यू मीन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या बनता है। तो अगर देखा जाए तो देर आर सम पॉइंट रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड नो नेगेटिव साइन इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कोई भी निगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए। मीन जैसे यहां पे निगेटिव या निगेटिव नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव साइन। और इसके लिए क्या आप करोगे, नीचे ऊपर दोनों को क्या करोगे, माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करोगे। और ये तभी करोगे जब डिनोमिनेटर निगेटिव है। सेकेंड पॉइंट, द एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी वन। ये हमारे टू कंडीशन है, ठीक है। दीज आर द टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मीन्स इफ वी आर गोइंग टू से रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन दैट पार्टिकुलर रेशनल नंबर शुड फुलफिल दीज टू कंडीशन। अगर हम किसी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं तो उसके लिए इन दो कंडीशनों को पूरा करना उसका जरूरी है। अगर इन दो कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे 24 अपॉन माइनस 36 है, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं है। पहला कंडीशन ये है कि इसका, ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि इसके किसी भी नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए जो उसका डिनोमिनेटर वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। बट अगर यहाँ देखा जाए तो डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो सिंपल बात इसी बेसिस पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव सिंबल को रिमूव करेंगे। इसके लिए ऊपर माइनस और नीचे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ सिंबल क्या होगा, प्लस, कोई सिंबल नहीं तो प्लस, प्लस इंटू माइनस इट विल बिकम माइनस, और माइनस माइनस इट विल बिकम माइनस 24। और नीचे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना रहेगा 36, मीन्स माइनस 24 अपॉन 36, दिस विल बी द नंबर नॉट इन 8, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी पूरी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पहले कंडीशन को फुलफिल कर रही है, उसका जो डिनोमिनेटर है अब वो निगेटिव नहीं है। दूसरा पॉइंट जो कर रहा है वो यह कर रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। यानी ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके। एचसीएफ 1 मतलब 1 कैन ओनली डिवाइड। तो कर 24 अपॉन माइनस 24 अपॉन 36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला तो कंडीशन फुलफिल कर दिया कि निगेटिव साइन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन कर रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ और सिर्फ वन ही ऐसा नंबर रहेगा जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। वरना उसके अलावा कोई भी नंबर अप्लाई करोगे तो कंडीशन ये हो सकता है न्यूमिनेटर डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर नहीं, और डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ तो न्यूमिनेटर नहीं, क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको करने के कई मेथड है, आप एक तरह से धीरे करना शुरू करो। पहले देखो किससे कैंसिल होगा, टू से, कितने टाइम, 12 टाइम,
और ये कितना टाइम 18, फिर 2 से 6 टाइम, और फिर कितने टाइम 9 टाइम, फिर 3 से 2 टाइम, और कितने टाइम 3 टाइम। मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस 2 और 5। क्लियर? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली कंडीशन फुलफिल करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, दूसरा कंडीशन फुलफिल करता है कि 1 के अलावा 2 और 3 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर नहीं, और 3 से करेंगे तो डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, न्यूमरेटर नहीं। इसका मतलब 1 इज द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया। इसका मतलब है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये होता है कि हमें दो कंडीशन को उससे फुलफिल करानी पड़ेगी। पहला होगा कि उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो, दूसरा पॉइंट होगा कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्लियर? और इसके लिए आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। जो मैंने ये किया 24/36 माइनस 24/36 मैंने उतना लंबा किया, अगर आपको टेबल आता रहा होगा ठीक है, तब सीधा 12 भी कर सकते हैं, 12 इसको कैंसिल आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है ठीक है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, छोटे नंबर डिवाइड करना शुरू करो, करते करते लास्ट में ऐसा हो जाएगा, लास्ट में क्या रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर? ऐसा नहीं कि नहीं मुझे टेबल पूरा आएगा तभी मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको जितने लेवल तक टेबल आता है उसी का यूज करो, उसको क्या करो डिवाइड करो। और बेसिकली आपको डिजिबिलिटी आनी चाहिए कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो बिना एक्चुअल डिवाइड किए भी कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं। जैसे 2 का होता है तो लास्ट का डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 3 का होता है कि जितने भी डिजिट आएंगे एक नंबर के सबको सम करके डिवाइड करने पर अगर डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। 4 का लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 5 का लास्ट में 0.5 होना चाहिए, 6 के लिए 2 और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर 6 से डिवाइड होंगे, 8 के लिए लास्ट में 3 डिजिट, 9 के लिए 3 वाला रूल लगता है, 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। तो आप यह सब डिजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, अगर नहीं पता है तब तो क्या फेस करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कौन से नंबर डिवाइड करने कौन से नहीं, एक एक चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो एक बार फिर आप क्या करोगे, पिछले साल पढ़ाएगा हो या उसके पिछले साल आप कहीं से भी आप डिजिबिलिटी को वापस क्या करोगे, एक बार स्टडी करोगे ताकि समझ सको कि कोई भी नंबर को जल्दी में क्विकली डिवाइड कर कैसे किया जा सकता है और अप्रोप्रिएटली, मतलब आराम से और सही ढंग से, ऐसा ना कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो, ज़्यादा समय लगे। तो जितने भी टॉपिक्स है इस एक्सरसाइज से सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल है मैं पहले उसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन उसके रहेंगे उसको, उसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा। सो शॉर्ट एग्जाम्पल करते हैं इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 7। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल नंबर 7 इज गिवन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी नंबर दिए हैं सबको किसमें चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। क्वेश्चन आ गिवन 24/36 आफ्टर दैट -16/28 एंड आफ्टर दैट 35
1 माइनस 4, क्लियर? 1 मिनट। सॉल्व अगर मैं करता हूं तो 24/36 में सॉल्व करता हूं, क्लियर? तो पहले कंडीशन को चेक करते हैं, क्या इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है? तो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है? इसको ऑलरेडी मैं कर रखा हूं तो 12 से डिवाइड कर दोगे 2 टाइम और कितना 3 टाइम, तो ये कितना है 2 बाय ये ए था। अब बी का नंबर, तो बी को देखते ही हो जाएगा -16/28। तो पहले चेक करते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला कंडीशन फुलफिल करता है, यानी डिनोमिनेटर का निगेटिव ना होना, यानी डिनोमिनेटर का पॉजिटिव होना, यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है इसका पॉजिटिव है। अब हम बस क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर निगेटिव है या निगेट नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर निगेटिव ना हो, डिनोमिनेटर निगेटिव ना हो। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म आप चेंज करते हैं और जब आप इक्विवेलेंट दिखाते हो उस समय आपको दिक्कत होती है, भले निगेटिव कहीं कहीं हुक्म क्या होता है कि नीचे दे देता है कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, निगेटिव नीचे रहा तब भी, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इसको या तो इसका एलसीएम निकाल लो, अब इसका एलसीएम कितना है, ठीक है, या तो सिंपली कैंसिल कर लो, जैसे मैंने अब तक क्या किया, डिवाइड करूंगा इसको किससे, 2 से, ठीक। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये डिवाइड होगा 8 टाइम और ये कितने टाइम 14 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, फिर 7 टाइम, यानी हो जाएगा -4/7, ठीक है। पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी सब नंबर्स करते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो इसका पहले एलसीएम निकालो 16/28 का, कैलकुलेट करो 16/28 का एलसीएम, पहले 2 से डिवाइड 8 टाइम, अब कितने टाइम 14 टाइम, फिर 2 से डिवाइड 4 टाइम और 7 टाइम। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर का एलसीएम एक साथ निकालना होता है वो सभी एक साथ डिवाइड होना चाहिए, जहां डिवाइड रुकता है हम वहीं पे क्या करते हैं, रोक देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 यानी 4, क्लियर? मैंने यह कहा कि एचसीएफ किसी भी नंबर का कैलकुलेट करते हो, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए एचसीएफ के लिए। तो अब जब एचसीएफ कैलकुलेट करते हो तो दोनों नंबर एक साथ डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, जो नंबर इसको डिवाइड करता है वही नंबर इसको, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं डिवाइड होने चाहिए, अलग अलग नहीं, एक साथ। जहाँ पे ऐसा कंडीशन आता है कि अलग अलग डिवाइड होने का वही हम रोक देते हैं, आगे नहीं प्रोसीड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये भी डिवाइड होगा 8 टाइम, 2 से ये भी डिवाइड होगा कितने टाइम 14 टाइम, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम और 7 टाइम। आप देख सकते हो किसी और नंबर से करते हैं तो ये 4 अलग से डिवाइड होगा, 7 अलग होगा, एक साथ तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो हम ये छोड़ देते हैं। एचसीएफ कितना है 4 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा कि 16/28 को जो एचसीएफ आता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करोगे तो देखो 4 से डिवाइड करने बाद उतना ही बचेगा जितना 16 के नीचे था, ठीक है। 4 से डिवाइड करने बाद 16 को कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम, और 4 से डिवाइड करने बाद 28 को कितना बचेगा 7, कितना रहेगा -4/7। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सी, हमारा दे रखा है 35/42, क्लियर? अब पहले माइनस सिंबल को रिमूव करने के लिए नीचे माइनस, तो नीचे माइनस सिंबल पाई करो, ऊपर माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 42, क्लियर? यह तो गया सिंबल के साथ। सेकेंड कंडीशन है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब क्लास 8 में आप पढ़ रहे हो तो 7-8 में तो आपको टेबल आती होगी,
और फटाफट चाहो तो अपने टेबल से याद करो, डिवाइड कर सकते हो, मोस्टली 9th तक टेबल इसमें आते हैं। कितने से 7 से डिवाइड करो 5 टाइम, 7 से डिवाइड करो 6 टाइम, मास 5 बाय। अगर नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करो, अगर वो अभी नहीं आता तब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और आप सीधा एलसीएम 7 नहीं आएगा उसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल हमें 8 इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट मास 8 बाय 5 एंड ए बाय मास 25 बाय 4। एग्जांपल 8 इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट मास 8 बाय 5 एंड ए बाय माइनस 25 आर इक्वल। हमें तरह ए की वो वैल्यू बताओ जिसमें यह हो, जिससे यह हो कि मास 8 बाय 5 और ए बाय माइनस 25 क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन हमें दे रखा कि दोनों इक्वल हैं, तो पहले हम दिखा देते हैं कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि मास 8 बाय 5 और a बाय मास 25 आपस में इक्वल है, हमें a की वैल्यू नहीं पता है उसकी कैलकुलेट करना है, तो पहले हम यही करते हैं कि दोनों इक्वल दिखा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम, द फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट मास 8 बाय 5 एंड a बाय मास 25 आर इक्वल। a की वह वैल्यू बताओ जिससे यह साबित हो सके मास 8 बाय 5 और a बाय मास 25 इक्वल है। तो हम a की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले ही दोनों को करते हैं इक्वल है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, एक इधर छोड़ो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस कितने टाइम 5 टाइम, 8 5 का 40, सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो ए की वैल्यू 40 होगी जिसके कारण मास 8 बाई 5 और ए बाई माइनस 25 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन, एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ए इज गिवन माइनस 2 बाय 5, बी इज गिवन माइनस 8 बाय 11, C is given 7 by minus 11 and B is given 3 by 4. अगर मैं सॉल्व करता हूं तो A को जब सॉल्व करूंगा तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 2 by 5, माइनस 2 by 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतना सब लिखो चाहे इतना लिखो बात दोनों सेम है। क्लियर, अगर मैं इतनी लिखने की जगह मैं ऐसे अगर दिखाता तो भी इसका मतलब वही है, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। और मैंने ये बताया था कि ब्रैकेट मॉड के अंदर, इसको मॉड बोलते हैं,
मॉड के अंदर कोई भी नंबर इंटीजर नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है, मॉड से बाहर जब भी आएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा, यानी पॉजिटिव सिंबल पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन निगेटिव सिंबल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो विदाउट साइन हम उस नंबर को रखते हैं, चाहे वो निगेटिव साइन रहे चाहे ना रहे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही बट निगेटिव साइन नहीं रहेगा, विदाउट साइन मतलब पॉजिटिव साइन, क्लियर, क्योंकि एक नंबर के साथ दो ही साइन लग सकती है, तो प्लस है तो माइनस। तो जब किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर उस नंबर के साथ चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर चाहे दोनों में वेदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर इन द बोथ न्यूमरेटर न्यूमरेटर बोथ देयर आर निगेटिव सिंबल सो वी रिमूव दैट सिंबल, तो हम वो सिंबल क्या करते हैं हटा देते हैं और ये हमारा क्या हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ठीक उसी तरह हो जाएगा हमारा बी का, क्या हो जाएगा -8 बाय माइनस 11 मींस 8 बाय 11। सी का हो जाएगा हमारा 7 बाय माइनस 11 का मॉड यानी सी बाय 7 बाय 11, और डी का उसी तरह हो जाएगा 3 बाय 4 का मॉड यानी 3 बाय, क्लियर, ये हमारा आंसर रहेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस ए वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर विदाउट एनी साइन मींस विथ ओनली पॉजिटिव साइन, यहां बात नेगेटिव साइन को हटाने की होती है। लास्ट एग्जांपल गिवन है Example 10 is given, fill the blanks. और ये हमें दिया है -6/5 = (20) = 30। तो इसका मतलब है -6/5 = दिस रेशनल नंबर एज वेल एज दिस रेशनल नंबर, ये जो तीन रेशनल नंबर दिए सभी आपस में एक दूसरे से क्या है इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये क्या है इसके साथ भी इक्वल है, मतलब सब सबके साथ इक्वल है, इसके साथ और रहते हैं सभी आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स यहाँ कंटिन्यूअस इक्वल सिंबल लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है, ये इसके साथ इक्वल है सही है, लेकिन साथ साथ ये इसके साथ भी इक्वल है, क्लियर। यहाँ पे क्या है कि -6/5 के बाद एक और ऐसा नंबर है जिसका एक न्यूमरेटर नहीं पता है डिनोमिनेटर पता है, और उसके बाद तुरंत इक्वल के साथ एक और ऐसा नंबर लगा है जिसका न्यूमरेटर पता है और डिनोमिनेटर नहीं पता है, तो क्वेश्चन पहले जाता है कौन किसके इक्वल होगा, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स ये इसके साथ इक्वल है और साथ साथ ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, तो पहले मैं क्या लेता हूँ -6/5 = ब्रैकेट अपन क्या 20, हम मानते हैं ब्रैकेट में एक नंबर x नंबर देते हैं, ठीक है, अननोन नंबर है हमें नहीं पता है उसकी वैल्यू चाहिए, x को इधर छोड़ दूं लाओ सब को इधर, तो हम जानते हैं 20 इधर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा कितने टाइम 4 टाइम, 6 4 जाए 24 यानी -24, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ तो यह क्या लिखा जाएगा -6/5 = -24/20 = 30। अब इसको निकालना ना इस वाले ब्रैकेट को, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको चाहो तो इसके साथ इक्वल कर दो चाहे इसके साथ इसको इक्वल कर दो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएंगे, मैं दोनों कर रहा हूँ आपको जो बेटर लगा करना, -6/5 = -24/30 ब्रैकेट में हम क्या भर देते हैं वाई,
जैसे वहां पे एक्स था, वहां पे क्या है वाई है, तो क्या करते हैं माइनस सिक्स बाई फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखोगे जिसकी वैल्यू चाहिए। यहां पे हमने क्या किया एक्स को इधर छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि एक्स ऊपर था न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर रहेगा पहले उसको न्यूमरेटर में करोगे। जब भी किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो अगर वो डिनोमिनेटर में है तो पहले न्यूमरेटर चेंज कर दोगे पहुंचाओगे, और उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब वाई इक्वल टू अगर मैं निकालता हूं ये नीचे क्या है डिवाइड भी जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी 30 इंटू 5, और ये इधर मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड माइनस 6, 6 से डिवाइड करो 1 टाइम 6 से आई कर वाई इक्वल टू 25 बाय माइनस 1। अब न्यूमरेटर में माइनस है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि ऊपर होना चाहिए, इसको ऊपर दे दो माइनस 25 बाई 1। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही आएगा, तो वाई इक्वल कितना दे देंगे माइनस 25। ठीक है, तो वाई इक्वल कैलकुलेट करो, हमने क्या किया पहले और तीसरे को लिया था, अब चाहो तो इसको इसके साथ ले सकते हो। ठीक है, देखो जैसे क्या होगा माइनस 24 अपॉन 20 इक्वल टू 30 अपॉन यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, जब आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी हो आपको ना पता हो तो ए बी सी डी जो भी अल्फाबेट के लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक उसमें से कोई भी अल्फाबेट एक आप ले सकते हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन में जब कई बार वैल्यू निकालनी हो तो हर जगह अलग अलग रखोगे, एक जगह x, एक जगह y, एक जगह जेड, जैसे आएगा ए बी सी डी में जैसे भी रहे। फिर अब क्या करोगे माइनस 24 अपॉन 20 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में है तो पहले न्यूमरेटर में उसको लाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो गया अब माइनस 20 वाई की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमारा हो जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन माइनस 24। पहले माइनस ऊपर भेजनी पड़ेगी ये बार हमें दिक्कत दिखानी पड़ेगी, सिक्स से कटा दो, सिक्स से कैसे करो, सिक्स से कितने टाइम 4 टाइम, सिक्स से 5 टाइम, फिर 4 से 1 टाइम, 4 से 5 टाइम, तो वाई इसका कितना रहेगा माइनस 25। तो दोनों में सेम है, मतलब ये बनता है कि अगर कंटिन्यूअस ऐसे ब्रैकेट दिए हो तो सब सबके बराबर होता है, ऐसा नहीं कि ये इसके साथ बराबर है और ये इसके साथ, ऐसा नहीं होता है, ये इसके साथ बराबर है। तो ये हमारा रूप इतना तक था, सभी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिए, आप एक्सरसाइज का करोगे 3A का, और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करोगे जो भी प्रॉब्लम करोगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब के जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।